तो दोस्तों अब फाइनली काफ़ी लंबे इंतजार के बाद इन्फिनिक्स ने अपना इन्फिनिक्स नोट सीरीज का नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 11 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन्फिनिक्स नोट सीरीज के नए स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों अब फाइनली इन्फिनिक्स ने अपना इन्फिनिक्स नोट सीरीज का नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 11 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो बड़ी डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर, पावरफुल बैटरी और बेहतरीन कैमरा सेटअप के साथ में देखने को मिलता है। तो फिर दोस्तों आज का ये वीडियो आप पूरा देखते रहे, इस वीडियो में आपसे इसी इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ। मगर दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज इसी तरह के लेटेस्ट और नॉलेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुदेन यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात करते हैं इस इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। और दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिस्प्ले से। तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में एक 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों आप आराम से फुल एचडी के साथ साथ 4K में वीडियो प्लेबैक कर पाएंगे। यानी दोस्तों आपको इस इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन में काफी बेहतरीन पिक्सल क्वालिटी वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन के रियर पैनल पर दिए गए कैमरा सेटअप के बारे में। तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन के बैक पैनल पर 50 MP का मेन रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों आपको 50 MP का मेन प्राइमरी कैमरा, 2 MP का डेप्थ और एक और तीसरा AI लेंस देखने को मिलता है। और जबकि दोस्तों इस फोन में आपको वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आपको तरह तरह के फीचर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में आपको परफॉर्मेंस देने के लिए MediaTeck Helio G95 का प्रोसेसर मिलता है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर रन करता है। दोस्तों रैम और स्टोरेज के लिए इस फोन में आपको 1 GB रैम मिलता है, जो 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसे इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन के मेन पार्ट यानी बैटरी पावर बैकअप के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में आपको 5000 mAh की पावरफुल बैटरी मिलती है, जो 33W फास्ट चार्जर के साथ में आता है। यानी दोस्तों इस फोन में आपको काफ़ी लॉन्ग लाइफ बैटरी मिलती है, जो आपका काफ़ी लंबे समय तक साथ निभाएगी। कनेक्टिविटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल 4G वोल्टी FM रेडियो, USB टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm जैक और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है। चलिए दोस्तों आप फाइनली बात करते हैं इस इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस रेंज के बारे में। तो दोस्तों आपको इसके 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत 11,999 रुपये में देखने को मिलती है, जिसे आप 23 दिसंबर से फ्लिपकार्ट पर परचेज कर पाएंगे। वैसे दोस्तों अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन कैसा लगा। तो बस दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, पास लिख दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज इसी तरह के लेटेस्ट और नॉलेबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।